एम एच न्यूज़ में आप सबका स्वागत है मैं हूं चंद्रशेखर धरनी राम नारायण यादव जो संविधान के जानकार हैं उनसे बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं पंजाब के एडवाइज़र के रूप में इन्होंने काम किया है विधानसभा के अंदर राम नारायण जी आपका स्वागत है एम एच न्यूज़ में धन्यवाद जी यादव साहब जिस प्रकार से आ, सुनने में आ रहा है कि बारह अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मीटिंग करने जा रहा है सभी राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्राप्त है उनको आवंत्रित किया जाएगा उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास क्या ऐसी मीटिंग कोई होने जा रही है देखिए ऐसी सुनने में आई है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग होने जा रही है पार्टियों की तो इससे यही है कि इलेक्शन प्रोसेस हरियाणा में स्टार्ट हो चुका है और हरियाणा के साथ जैसे कि तीन दूसरी स्टेट्स हैं उनमें भी साथ में ही होना है जिसमें झारखंड भी है और महाराष्ट्र है और जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में शायद ही एफ़िडेविट भी दिया हुआ कि सेप्टेम्बर तक इनके इलेक्शन सेप्टेम्बर में करा लिए जाएंगे तो चारों स्टेटों के इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं और इसी के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन शायद विजिट कर रहे हैं और पार्टियों से बात करके जितने भी अरेंजमेंट्स के बारे में या कोई डिफिकल्टी या सजेशंस होंगे उनसे पूछेंगे वो यादव साहब एक सवाल और लोगों मेरे जहन में आ रहा है जो कि जिस प्रकार से बांग्लादेश क्या हालात है बांग्लादेश पड़ोसी राज्य है क्या कभी संविधान में ऐसा हुआ कि पड़ोसी राज्यों के जो हालात हैं उनके मद्देनज़र हिंदुस्तान के कुछ चुनाव प्रभावित हुए हों। देखिए धरनी जी ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आपने पूछ लिया और नेशनल इंटरेस्ट का है कि इस पर शायद ज़्यादा बोलना हमारे लिए ठीक नहीं होगा लेकिन हाँ ऐसे मैं एक साइटेशन आपको दे सकता हूँ कि 1940 45 की कि जब हमारी थर्ड असेंबली की इलेक्शन हो गए थे यानी देश की आज़ादी से पहले देश की आज़ादी से पहले तो उसमें जब सर अब्राहिम उसमें स्पीकर बने थे क्योंकि मुझे उससे पता है तो वो जब स्पीकर बने थे 1935 में तो 1945 तक वो स्पीकर चलते रहे थे क्योंकि यू के गवर्नमेंट ने दो ग्राउंड्स पर इलेक्शन हिंदुस्तान के नेशनल असम्बली के जिसको हम संसद कहते हैं और दूसरी स्टेटों के टाल दिए थे इस ग्राउंड पर कि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के प्रोसेस में चला रहे हैं दूसरे वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो चुकी है और वो चल रही है वर्ल्ड वार की वजह से इलेक्शंस हिंदुस्तान की नेशनल असम्बली और इसके नहीं हुए थे तो ऐसे वो एग्जाम्पिल है लेकिन हमारा जो रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कहता है कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बताती है इलेक्शन कमीशन को तो सर्टिफिकेट दे के उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो ऐसी आज भी प्रोविज़न है लेकिन ऐसी एक एग्जाम्पल तब की मैंने बताई है इससे ज़्यादा इसमें कहना अच्छा भी नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किरण तो चौधरी अब तो बीजेपी के नेता हैं कांग्रेस में रही हैं पहले और विधायक भी आज भी कांग्रेस की हैं दो बार उनकी जो शिकायतें लगाई स्पीकर साहब ने निरस्त की जो कांग्रेस के विधायकों ने आज की डेट में किरण चौधरी का क्या जो नई याचिका है उसका क्या हशर हो सकता है आपको क्या लगता है देखिए धरनी जी जैसे अभी सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डाली थी अब उन्होंने पिटीशन दिया है और पिटीशन में मेरे हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं अगर रिक्वायरमेंट्स किसी हद तक कोई कमी रह भी गई है तो मेरे ख्याल में स्पीकर साहब आके उसको एंटरटेन कर लेंगे एक रीज़न बिंग कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि जो रूल्स की रिक्वायरमेंट्स डा, है वो डायरेक्टरी है मैंडेटरी नहीं है नंबर एक नंबर दो अगर एफिडेविट्स भी नहीं दिए गए हैं तो अभी वो ले सकते हैं पर क्योंकि उन्होंने पहले रिजेक्ट किए हैं इस बेस पर उन्होंने इस वजह से रिजेक्ट किए थे कि खुद पिटिशनर उन रूलों का बहाना दे आ, हवाला दे रहे हैं अपनी पिटीशन में और उन्हीं का उल्लंघन कर रहे हैं इस वजह से वो पहले रिजेक्ट हुई थी वो ठीक हुई थी अब इस बारे में अगर ये एंटरटेन होती है तो इसमें तो एक पार्टी छोड़कर दूसरे में गए हैं तो आ, ये हमारा जो टेंथ शेड्यूल का पैराग्राफ टू वन ए है उसमें उनकी डिसक्फन अट्रैक्ट होती है पिछले दिनों जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो जे जे पी के विधायकों के जो दूसरे राजनीतिक दलों के मंचों पर नज़र आ रहे हैं उसको लेकर स्पीकर साहब से मिले भी उनकी कंप्लेंट भी की हुई है उनके बारे में आपकी टिप्पणी क्या है देखिए उसमें भी ऐसे ही है जैसे अभी पहला केस पूछा इसमें तो क्लियर है क्योंकि वो अभी अगर इन्होंने अपनी जो पिटिशनर देखिए कोई चीज़ होती है वो एविडेंस पे डिपेंड करती है मैं पहले केस में भी ये क्लियर किए देता हूँ कि हर आदमी जानता है कि ये गलती हुई है या ये क्राइम हुआ है या ये डिफेक्ट हुआ है लेकिन जब तक एविडेंस नहीं होंगी तब तक तो कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती अब हर केस में पहले केस में भी अगर पॉजिटिव रिलायबल एंड अनइक्विविकबल स्पष्ट अगर इन्होंने एविडेंस दी हैं तभी स्पीकर साहब उसको कंसीडर करेंगे नहीं तो सब जानते हैं कि ये हुआ है जब तक कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं होंगे तो वहाँ एविडेंस पहले केस में किरण चौधरी जी के बारे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए नंबर दो जो आपने पूछी है जे, -जे की वो अलग चीज़ है वहाँ तो टू वन ए सीधा एट्रैक्ट होता है अब जो टू वन एट्रैक्ट होगा जे, -जे के बारे में जैसे आपने पूछा है तो इनके खिलाफ एविडेंस हैं ऐसी जो हाउस से बाहर या पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाहर हुई हैं और इसमें कई केसों में रवि एस नायक और और दूसरे विश्वनाथन विश्वनाथन के केस में ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर किसी मेंबर का ने एक पार्टी छोड़ के दूसरे में नहीं भी गया है और उसके एक्ट ऐसे हैं कि वो ये लगता है कि उसने पार्टी के अगेंस्ट काम किया पार्टी छोड़ दी है तो उसको भी वॉलन्ट्री गिविन अप माना गया है ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में है भी यादव साहब एक सवाल और लेना चाहूँगा कि छः महीने के अंदर विधानसभा सेशन बुलाया जाना एक नियम है एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पिछला सेशन हुआ और अब अगला जो विधानसभा सत्र है क्योंकि अब इलेक्शन भी नज़दीक है तो ये विधानसभा सेशन क्या बुलाया जाएगा क्योंकि सबकी निगाहें इस तरफ हैं नहीं विधानसभा सेशन तो छः महीने के अंदर जरूर बुलाया जाएगा क्योंकि पहला अगस्त पहला सेशन शायद हाँ तेरह मार्च को हुआ था आप सबको पता है तो ये 12 सितंबर तो सेशन बुलाना ही बुलाना पड़ेगा अगर नहीं बुलाएंगे तो सरकार ही असंवैधानिक हो जाएगी और आर्टिकल थ्री फिर अट्रैक्ट हो जाएगा उसमें तो ये ये तो छः महीने के अंदर अंदर सेशन बुलाना ही पड़ेगा और ये आएगा सेशन बारह सितंबर से पहले एक सरल सा जानकारी अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ जैसे मान लो कैबिनेट मीटिंग में कोई चीज़ अप्रूव होती है सेशन की तो उसके लिए सेशन से पहले कितने दिन का समय गैप दिया जाता है देखिए इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ़ कहता है उसमें कोई टाइम पंद्रह दिन का या इस तरह का टाइम नहीं दिया हुआ वो तो हम प्रज्यूम करते हैं कि क्योंकि रेजोलूशन के लिए क्वेश्चंस के लिए पंद्रह दिन का टाइम होता है कि इतनी मैडेटी मैंडेटी कोई नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है चौबीस घंटे के समय पर सेशन बुलाया जा सकता सिर्फ कंडीशन ये है कि मेंबर को इंटीमेशन हो जानी चाहिए चाहे तो वायरलेस से हो पहले वायरलेस हुआ करती थी चाहे अब ई वगैरह इनसे हो तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है और जहाँ तक मेंबरों की आ, उसकी बात है नोटिस की बात है तो हमारा संविधान के हिसाब से जैसे ही हाउस प्रोलोग हो जाता है प्रोरोसन के बाद मेंबर को नोटिस देने का क्वेश्चन या कोई काली दूसरी नोटिस देने का राइट हो जाता है उनके नोटिस आए हुए होते हैं अगर चौबीस घंटे पर भी कोई सेशन आता है तो वो जो नोटिस आए हुए हैं स्पीकर साहब उनको एडमिट करके और उस सेशन के लिए लगा देते हैं सरकार से जवाब मांगने के लिए धन्यवाद राम नारायण यादव जी तो ये यादव साहब कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो आम आदमी भी सरल भाषा में जानना चाहता है उनके बेखूबी तरीके से इन्होंने जवाब दिए हैं इनका बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि 12 सितंबर से पहले हरियाणा का सेशन होना अनिवार्य है और ये सेशन बुलाया जाएगा इसके अलावा दल बदल को लेकर किरण चौधरी के मुद्दे पर जे के विधायकों के मुद्दे पर सब मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी एमएच वन न्यूज़ चंडीगढ़